अगर आपको कोई बोले कि प्लेन का पायलट 17,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन से बाहर निकलकर हवा में झूलने लगा और इसके बावजूद वो सुरक्षित प्लेन सहित धरती पर सफलतापूर्वक उतर जाए, तो शायद आप कभी भी इस बात पर विश्वास नहीं करोगे और कहोगे कि ऐसा तो फिल्मों में भी नहीं होता। इतनी ऊंचाई पर ऐसा होने के बाद कोई भला कैसे जीवित रह सकता है। लेकिन यही हुआ। अविश्वसनीय रूप से ये बिल्कुल सच्ची घटना है जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया, और आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। इसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन जो नए यूजर है वो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में दी गई घंटी पर क्लिक करके सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन ऑल पर क्लिक कर दें, वरना आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन YouTube द्वारा नहीं भेजी जाएगी और आप हमारी आगे आने वाले वीडियोज नहीं देख पाएंगे। 10 जून 1990, रोजमर्रा की तरह सुबह का एक सामान्य दिन था। सुबह के 8:20 पर ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 5390 बर्मिंघम से स्पेन की उड़ान के लिए तैयार हो रहा था। प्लेन के कैप्टन, जो कि 42 साल के थे, टिम लानकास्टर, जिनको 11,050 घंटे की उड़ान का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इनके को पायलट 39 साल के एल्स्टेयर एटीसन थे, जिनको भी 7,500 घंटे की उड़ान का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। उस दिन इस हवाई जहाज पर 4 कैबिन क्रू के अलावा 81 पैसेंजर मौजूद थे, यानी कि प्लेन में कुल 87 लोग सफर कर रहे थे। अपने तय समय सुबह 8:20 पर रेगुलर इंस्पेक्शन के बाद प्लेन ने इंग्लैंड के एयरपोर्ट बर्मिंघम से स्पेन के लिए उड़ान भरी। उस समय को पायलट प्लेन उड़ा रहे थे। एक निर्धारित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद को पायलट ने फ्लाइट का कंट्रोल कैप्टन टिम लानकास्टर के हाथ में दे दिया और खुद अन्य जिम्मेदारी संभालने लगे। लगभग 13 मिनट बाद, यानी 8:33 पर, जब प्लेन लगभग 17,300 फीट की ऊंचाई पर डिडकोट ऑक्सफोर्डशायर के ऊपर उड़ान भर रहा था, तो दोनों पायलट ने रिलैक्स होने के लिए अपने शोल्डर हार्नेसेस खोल दिए, लेकिन लानकास्टर ने अपनी शोल्डर हार्नेसेस के साथ लैप बेल्ट भी लूज कर दिया। उड़ान के 13 मिनट बाद तक सब कुछ सामान्य चल रहा था। सुबह का नाश्ता, पानी देने की तैयारी चल रही थी, सब कुछ उस समय तक सामान्य था। और तभी उसी समय कॉकपिट में एक धड़ाम का जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनकर फ्लाइट अटेंडेंट निगेल ऑगडीन भाग के कॉकपिट में पहुंचे, और कॉकपिट में जो उन्होंने नजारा देखा इतना भयंकर और दिल दहला देने वाला था कि किसी भी जिगर वाले इंसान की आत्मा शरीर से बाहर आ जाए। दरअसल कॉकपिट में कैप्टन लानकास्टर की लेफ्ट साइड वाला विंडस्क्रीन पैनल धमाके में या किसी टेक्निकल खराबी के कारण प्लेन से उखड़कर अलग हो गया था। जैसे ही विंडस्क्रीन पैनल और प्लेन से अलग हुआ, तो प्लेन में डिकम्प्रेशन, यानी कि हवा का दबाव कम होना शुरू हो गया। प्लेन के अंदर जो भी चीज बेल्ट से नहीं बंधी थी या किसी अन्य तरह से सुरक्षा के हिसाब से नहीं बांध के रखी गई थी, तेजी से प्लेन के बाहर जाने लग रही थी। इसी में कैप्टन लानकास्टर भी शामिल थे, क्योंकि कुछ ही समय पहले उन्होंने अपनी सीट पर लगी लाइफ बेल्ट भी खोल दी थी, और हवा के कम दबाव से वो भी प्लेन की टूटी विंडस्क्रीन पैनल में बनी खाली जगह से प्लेन के बाहर खींचे चले गए। लेकिन किस्मत ने उनके पैर उनकी सीट और फ्लाइट कंट्रोल पैनल के बीच अटका दिए, जिससे वे प्लेन के बाहर गिरने के बजाय प्लेन की विंडस्क्रीन में ही फंस गए, जिसकी वजह से कैप्टन का आधा शरीर 17,000 फीट की ऊंचाई पर आधा प्लेन से बाहर था तो आधा शरीर प्लेन के अंदर। जब ये नजारा फ्लाइट अटेंडेंट निगेल ऑगडीन ने देखा, तो अपनी समझदारी और हिम्मत दिखाते हुए भागकर कैप्टन को बेल्ट के सहारे पकड़ लिया और अंदर खींचने का प्रयास करने लगे। लेकिन ऑगडीन को अकेले कैप्टन को अंदर खींच पाना मुश्किल हो रहा था। उधर हवा के हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की वजह से कैप्टन का शरीर ठंडा पड़ने लगा था। इधर प्लेन में डिकम्प्रेशन की वजह से फ्लाइट डेक का दरवाजा भी उड़कर अंदर की तरफ कंट्रोल कंसोल तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से प्लेन का थ्रॉटल कंट्रोल भी ब्लॉक हो गया, और पैसेंजर कैबिन में मौजूद पेपर्स, मैगजीन, पैसेंजर की सीट पर रखे जाने वाले सामान, वेस्ट सामान, सब आदि उड़कर फ्लाइट डेक में जाने लगा। इस दौरान प्लेन का ऑटो पायलट हट जाने से प्लेन तेजी से नीचे की तरफ उतरने लगा, लेकिन को पायलट एलेस्टियर एडिसन ने फुर्ती दिखाते हुए प्लेन को जल्दी से ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया और कैप्टन को अंदर खींचने में ऑगडीन की मदद करने लगे।
इधर कैप्टन को प्लेन से बाहर गिरने से बचाने की मशक्कत में ऑगडेन का हाथ बुरी तरह से घायल हो चुका था और वह इस हालत में नहीं थे कि कैप्टन को और ज्यादा देर तक संभाल सके। तभी एक दूसरे फ्लाइट अटेंडेंट साइमन रोजर्स ने कॉकपिट में भाग के गए और सिचुएशन को संभालते हुए पायलट सीट पर बैठ गए, अपने आप को बेल्ट से बांध लिया और कैप्टन को पकड़ लिया। दूसरी तरफ फ्लाइट डेक का दरवाजा उखड़ जाने की वजह से सारे पैसेंजर्स कॉकपिट का सारा नजारा देख पा रहे थे। इस सारे घटनाक्रम में कोई और अनहोनी ना हो जाए इसके लिए बाकी दो फ्लाइट अटेंडेंट्स केबिन की सिचुएशन को संभालते हुए पैसेंजर को आश्वासन और तसल्ली देने लगे और सीट बेल्ट बांधने की सलाह देते हुए इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार रहने के निर्देश देने लगे। दूसरी तरफ प्लेन में एक और समस्या खड़ी हो गई। प्लेन में डिकम्प्रेशन की वजह से प्लेन के अंदर का सारा ऑक्सीजन खत्म हो गया, जिसकी वजह से पैसेंजर को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ऐसे में प्लेन में मौजूद ऑक्सीजन मास्क से भी पैसेंजर को ऑक्सीजन दी जा सके संभव नहीं था। ऐसे में को पायलट ने समझदारी दिखाते हुए प्लेन को ऑटो पायलट मोड से हटा दिया, जिससे प्लेन तेजी से नीचे जाने लगा और को पायलट ने प्लेन को उस पर्टिकुलर एल्टीट्यूड या कहीं की ऊंचाई तक जाने दिया जहां पर एयर प्रेशर सामान्य सा हो ताकि लोगों को सांस लेने में तकलीफ ना हो। इस बीच कैप्टन का शरीर अभी भी प्लेन से बाहर था। फ्लाइट डेक से क्रू मेंबर्स कैप्टन के सिर और धड़ को लेफ्ट डायरेक्ट विजन विंडो में देख पा रहे थे। बाहर के लो टेम्परेचर और 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा में कैप्टन का शरीर जम चुका था और वो बेहोश हो गए थे। ऐसे में क्रू मेंबर्स को लगा कि कैप्टन की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी बॉडी को नहीं छोड़ा। ऐसा करने से उनको डर था कि अगर कैप्टन की बॉडी को छोड़ दिया गया तो प्लेन के लेफ्ट विंग के लेफ्ट इंजन से टकरा जाएगा, जिससे प्लेन का लेफ्ट इंजन बंद हो जाएगा या फिर लेफ्ट इंजन में आग लग जाएगी, जिससे प्लेन एक बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता था और सभी यात्रियों की जान जा सकती थी। वैसे भी को पायलट एल्स्टियर एटिशन के लिए पहले से ही अत्यधिक तनावपूर्ण माहौल था और विमान में कोई और दुर्घटना और परेशानी वाला वातावरण बना सकता था। फाइनली करीब करीब 20 मिनट के बाद कैप्टन के शरीर को किसी तरह प्लेन के अंदर लाया गया। अंदर खींचे जाने की कश्मकश में कैप्टन का शरीर काफी घायल हो चुका था। इसी बीच को पायलट ने ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कॉन्टैक्ट करके इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी, लेकिन कॉकपिट में डिकम्प्रेशन की वजह से विंड नॉइज इतना ज्यादा था कि उनको ATC से आने वाले संदेश का पता ही नहीं चल पाया, जिससे इमरजेंसी फ्लाइट लैंडिंग में डिले होता जा रहा था। आखिर में काफी मुश्किल के बाद एल्स्टेयर को साउथहैम्प्टन एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए ATC का निर्देश मिल गया और सुबह के करीब 8:55 पर प्लेन को साउथहैम्प्टन एयरपोर्ट के रनवे नंबर 2 पर सुरक्षित लैंड करवाया गया। इस फ्लाइट दुर्घटना में कैप्टन लानकास्टर और फ्लाइट अटेंडेंट निगेल ऑगडेन के अलावा कोई भी घायल नहीं हुआ था और उन्हें इलाज के लिए जल्दी ही साउथहैम्प्टन के सेंट्रल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें फ्रॉस्ट बाइट चोट और सदमे से पीड़ित पाया गया और उनके दाहिने हाथ, बाएं अंगूठे और दाहिने कलाई में केवल फ्रैक्चर था, बाकी तो बिल्कुल सही सलामत थे। वहीं फ्लाइट अटेंडेंट निगेल ऑगडेन के कंधे की हड्डी डिसलोकेट हो गई थी, बाई आंख फ्रॉस्ट बाइट की वजह से डैमेज हो गई थी और फेस पर फ्रॉस्ट बाइट हुआ था, जिसके अलावा प्लेन के सभी क्रू मेंबर के साथ 4 अन्य यात्री भी दुर्घटना से हुए सदमे के इलाज के लिए हॉस्पिटल में गए। इन सभी को इलाज के बाद शाम तक हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। दुर्घटना के 5 महीने से भी कम समय बाद लानकास्टर फिर से अपने काम पर लग गए। ब्रिटिश एयरवेज से रिटायरमेंट के बाद 2005 से वो इजी जेट के लिए प्लेन उड़ा रहे हैं। ये थी उस फ्लाइट के दुर्भाग्य और क्रू मेंबर्स के साहस की कहानी, लेकिन आखिर ऐसी नौबत आई क्यों, इस पर एक नजर डालते हैं। उड़ान के 27 घंटे पहले ही प्लेन की विंडस्क्रीन बदल दी गई थी। विंडस्क्रीन में लगे टेंशन बोल्ट में से 84 बोल्ट के डायमीटर 0.025 इंच के थे, जो कि एक्चुअल साइज से काफी छोटे थे, जबकि बाकी 0.1 इंच के थे जिनकी लेंथ बहुत कम थी। जान से पता चला कि पिछले विंडस्क्रीन को पहले ही गलत बोल्ट के साथ से फिट कर दिया गया था और बाद में जिसे शिफ्ट मेंटेनेंस मैनेजर ने यूजर मैनुअल के रेफरेंस से मैच किए बिना ही दूसरे बोल्ट से चेंज कर दिया था। इसलिए प्लेन जब 17,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान पर था तो गलत साइज के बोल्ट प्लेन के कैबिन के अंदर और बाहर हवा के बीच भारी दबाव के अंदर को सहन नहीं कर पाए और विंडस्क्रीन प्लेन से टूट कर अलग हो गया। इस दुर्घटना से एक बात और सामने आई, विमान के विंडस्क्रीन को बाहर से फिट किया गया था और इस डिजाइन में ही फॉल्ट था, बजाय अंदर से सुरक्षित फिट किए जाने की तुलना में बोल्ट पर अधिक दबाव डाला गया,
जो कि डिजाइन में ही सबसे बड़ी खामी थी। अब ब्रिटिश एयरवेज में विंडस्क्रीन को अंदर की तरफ से लगाया जाता है ताकि बोल्ट्स पर कम प्रेशर पड़े। इन्वेस्टिगेटर्स की टीम ने ब्रिटिश एयरवेज बर्मिंगम एयरपोर्ट के शिफ्ट मेंटेनेंस मैनेजर को विंडस्क्रीन चेंज करते समय गलत बोल्ट लगाने और विंडस्क्रीन रिप्लेसमेंट के टाइम ऑफिशियल ब्रिटिश एयरवेज पॉलिसीज फॉलो न करने का जिम्मेदार ठहराया। इन्हें ब्रिटिश एयरवेज पॉलिसीज में खामियां मिली जो कि महत्वपूर्ण कार्य के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा क्रॉस चेक करने, परीक्षण करने या वेरिफिकेशन करने के लिए होना चाहिए, जो कि उनकी पॉलिसी में नहीं था। अंत में इन्वेस्टिगेटर्स की टीम ने स्थानीय बर्मिंगम हवाई अड्डे के प्रबंधन को भी जिम्मेदार ठहराया कि वो शिफ्ट मेंटेनेंस मैनेजर के काम को डायरेक्टली मॉनिटर नहीं कर रही थी। AAIB यानी कि एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के चीफ इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर स्टुअर्ट कलिंग थे। फर्स्ट ऑफिसर एल्स्टेयर स्टुअर्ट एटिसन और कैबिन क्रू सुसान गिबिन्स को साहसिक और मूल्यवान सेवा के लिए क्वींस कमांडेशन फॉर वैल्यूएबल सर्विस इन द एयर अवार्ड दिया गया। एटिसन को उनकी योग्यता और वीरता के लिए 1992 में पोलारिस पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया। कुल मिला के ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 5390 में कोई जान माल की हानि नहीं हुई। इस दुर्घटना को बचाने वालों में फ्लाइट के को पायलट और क्रू मेंबर की क्विक थिंकिंग, हिम्मत और समझदारी ने कैप्टन टिम लानकास्टर और फ्लाइट के सभी पैसेंजर की जान बचा दी। तो आपको क्या लगता है, इस दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? ह्यूमन एरर, जिसने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा और बेसिक टेक्निकल रूल्स फॉलो नहीं किए? फिजिकल फैक्टर, विंडस्क्रीन के फिटिंग की डिजाइन में सबसे बड़ी खामी? सिस्टम फैक्टर, किसी अन्य सीनियर अधिकारी द्वारा क्रॉस चेक, परीक्षण या वेरिफिकेशन न करना? आप अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताना। जिस विषय के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट मिलेंगे अगली वीडियो उसी पर आएगी। जय हिंद।